तुम अपने पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में जा सकती हो, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली हूँ, मैं तो प्रेजेंट में ही रहूंगी। मैं भी। तुम लोग कितना डरपोक हो यार, मैं तो चली पास्ट में। प्रगति तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, किसी को नहीं पता है कि उसके साथ क्या होगा। अब मुझे पता चल जाएगा। हाँ, मैं कितने साल पीछे आ गई, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट लग रहा है। अरे पापा, वो कितने यंग लग रहे हैं। कोई यहाँ पे मुझे देख मत ले। अरे मम्मी के फोटो, लगता है पापा के घर मम्मी का रिश्ता आया है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के किसी और से शादी नहीं करूंगा। पर बेटा मेरे पास पापा की कोई और गर्लफ्रेंड है। जिस लड़की की रिश्ते के लिए फोटो आई है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी शादी तो मम्मी से होगी। अरे वाह, मम्मी का रूम। तुम कौन हो? आपकी बेटी। हाँ, मतलब आपकी बेटी जैसी। मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ मैम साहब। ठीक है, अपने जाके काम करो। वैसे भी कुछ सालों बाद तो मुझे नौकरानी जैसे काम ही कराओगे। क्या बोला तुमने? हाँ, कुछ नहीं कहा। हाँ, फंस गई यार। वापस 2022 में जाने के लिए तुम्हें अपनी मम्मी पापा को 3 दिन में प्यार कराना होगा, वरना तुम यही रह जाओगी। नहीं, मुझे घर जाना है। मैं कैसे करूंगी ये? अरे मम्मी, क्या आपने मेरी फोटो उसके घर रिश्ते के लिए भेज दी? वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। लगता है मम्मी और पापा की दुश्मनी चलती है पक्की वाली, और पापा की तो पहले से गर्लफ्रेंड भी है। मैं कैसे इन दोनों को मिलाऊंगी? सबसे पहले मुझे मेरे पापा का उनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कराना पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। क्या करूं? आइडिया, इस जमाने में किसी को के ड्रामा के बारे में नहीं पता है, और एक बार उस आंटी को मैंने के ड्रामा दिखा दिया तब तो उनके पीछे पड़ जाएंगी, पापा से ब्रेकअप हो जाएगा उनका। लेकिन इसके लिए मुझे अपना मोबाइल कुर्बान करना पड़ेगा। इस जमाने में किसी ने ये वाली मोबाइल भी तो नहीं देखी होगी, देख के आंटी शॉक हो जाएगी। तो ये है पापा की गर्लफ्रेंड का घर। तुम कौन हो? वो सब छोड़ो ना, आप ये देखो। ये क्या है? इसको के ड्रामा कहते हैं। के ड्रामा? आप एक बार देखो तो सही। देखो देखो, अरे ये लड़का कितना हैंडसम है। ओह माय गॉड। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। किस चीज से? आपसे। आप कितने प्यारे हो। थैंक्स, बट तुम हो कौन? मैं तो बस। अरे ये कौन है? ये आपका बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ, मेरी बॉयफ्रेंड की फोटो है ये। अच्छा लग रहा है मेरे पापा। ईव, आपका बॉयफ्रेंड ये है? आप इतनी सुंदर हो, आप किसी अच्छे को डिजर्व करते हो, मैं सच बता रही हूँ। ये कैसा सा है? हाँ, सच में अगर मैं आपकी जितनी सुंदर होती तो मैं ऐसे लड़के को तो कभी डेट नहीं करती। तुम सही कह रही हो। आग मैंने लगा दिया है, अब बस चिंगारी लगने की बारी है। चिंगारी लगा दिया, आग लगने की बारी है। क्या तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है? मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, मैं भी तुमसे अभी ब्रेकअप करता हूँ। तुम कौन हो? अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। मैं वो काम वाली भाई, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, मैं बगल में ही काम करती हूँ। अच्छा, माँ ने तुम्हें बुलाया होगा। अच्छा, वो बगल वाली मेम साहब बोल रही थी कि आप बड़े स्मार्ट लगते हो। हाँ, उसने ऐसा बोला? जरूर तुमने गलत सुना होगा। नहीं, मैंने अपने खुद इन कानों से सुना है। वो कब से मेरी तारीफ करने लगी? ठीक है, तुम जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक घर नहीं गई? अरे मेम साहब, मैंने ना एक पक्की खबर सुनी है। ऐसा क्या सुन लिया? वो मैं बगल वाले घर से आ रही थी ना, तो बड़े साहब बोल रहे थे कि जो घर के बगल वाली मैडम है ना, वो बड़ी सुंदर लगती है। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। वो क्या बोलेगा मुझे? इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है मम्मा? लेकिन उसने मुझे सुंदर बोला। मुझे लगता है बड़े साहब आपको पसंद करते हैं मैडम। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। अगर एक दिन में तुमने अपने मम्मी पापा को नहीं मिलाया तो तुम यही रह जाओगी। जल्दी कुछ करना होगा। मेम साहब, ये सामने आपके लिए भेजा है। क्या? इधर दिखाओ। आई मीन मुझे क्या? साहब, वो बगल वाली मैडम ने ही आपके लिए भेजा है फूल। क्या मेरे लिए? तुम देख क्या रही हो, जाओ इधर से। हाँ, मैं क्या ही करूँगी इस फ्लावर का। मम्मी तो बहुत जिद्दी लगती है। ओह, बड़े साहब ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है मैडम। लेकिन आपको क्या, आप तो उन्हें पसंद नहीं करती ना, मैं ही पढ़ लेती हूँ। नहीं, ये मुझे दो। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं। तुम क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। बड़े साहब, तुम फिर यहाँ पे आ गई, क्या काम है तुम्हें? हाँ, मैं तो सिर्फ ये बताने वाली थी कि मेम साहब कल मेले में जा रही है 11 बजे। मुझे क्या, अगर आप नहीं जाओगे तो शायद उस चंद किशोर के साथ चले जाएं। मुझे क्या? क्या वो चंद किशोर के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने बजे जाएगी वो? ठीक है, 11 बजे जाएंगे प्रेम साहब। हाँ, उस चंद किशोर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आया बड़ा उससे मिलने। अरे यार, 11 बज गए, मेले में सब आ गए, बस मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं। पापा आ गए, मम्मी आ गई।
हाय, तुम यहाँ कैसे? मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम यहाँ पे होगी। अब मिल ही गए हैं तो साथ में मेला एंजॉय करें। मैं हूँ चंद्रकिशोर, लाइक करता हूँ आपको। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसी हुई उससे ये बोलने के लिए? ये ले, और ये ले, और मारो, और मारो। तो मैं वो कह रहा था कि मुझे वो तुमसे बोल भी तो। मुझे भी कुछ बोलना था, साथ में बोलते हैं। 1, 2, 3 I love you. मैं फाइनली घर जा सकती हूँ। मैं वापस आ गई, लेकिन यार मुझे उन दोनों की शादी देखनी थी। किसकी शादी देखनी थी? महारानी को? आपकी और पापा की। मेरे और पापा की तो लव मैरिज थी। मुझे पता है, मैंने आप दोनों को मिलाया। क्या बोल रही है? चल जाके बर्तन धुल दो। आप पहले भी मुझे नौकरानी बनाते थे, अभी भी नौकरानी बनाते हो। कभी तो नौकरानी के पद से हटाओ मम्मा। तू आज क्या बोल रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। और आप कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब कर दो, ये स्टोरी बहुत मेहनत से सोची है।